अंशुमन सिंह आर्मी मेडिकल कोर 26वीं बटालियन पंजाब रेजिमेंट मरणोपरांत। शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की विरासत को लेकर बवाल मचा हुआ है। शहीद कैप्टन की पत्नी स्मृति सिंह और उनके माता पिता आमने सामने आ गए हैं। शहीद को मिले कीर्ति चक्र से लेकर उनके परिवार वालों को मिलने वाली आर्थिक मदद तक पर बहस छिड़ गई है। शहीद की विरासत पर पत्नी के हक को लेकर सवाल उठाए जाने लगे। लेकिन क्या किसी सैनिक की शहादत के बाद उनके माता पिता को कोई मदद नहीं मिलती और शहीद सैनिक की पत्नी को ही सारी आर्थिक सहायता मिल जाती है? इसका जवाब जानने से पहले हम पूरे मामले को समझते हैं। दरअसल हाल ही में कैप्टन अंशुमान सिंह को सियाचिन में वीरता और साहस के लिए मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। ये सम्मान लेने के लिए शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की मां मंजू सिंह और उनकी पत्नी स्मृति सिंह दोनों साथ गए। कीर्ति चक्र मिलने के बाद स्मृति सिंह का इंटरव्यू आया जिसने सभी को भावुक कर दिया। लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद शहीद अंशुमान के माता पिता का इंटरव्यू आया। उनका कहना है कि उनकी बहू मायके चली गई। वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि NOK यानी नेक्स्ट ऑफ किन यानी निकटतम परिजन के नियमों में बदलाव किया जाए। इसके बाद से ऐसा महसूस होने लगा है कि क्या किसी सैनिक के शहीद होने के बाद उनके माता पिता को कोई मदद नहीं मिलती, लेकिन ऐसा नहीं है। सेना सूत्रों के मुताबिक 1 करोड़ की AGIF यानी कि आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड की राशि में से 50 लाख रुपए शहीद अंशुमान की मां को और 50 लाख रुपए की राशि उनकी पत्नी यानी स्मृति को मिले हैं। इसके साथ ही DSOPF डिफेंस सर्विस ऑफिसर प्रोविडेंट फंड जो सैनिक जमा करता है वो उनकी पत्नी को मिल गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार से जो आर्थिक मदद मिली है उसका 35 लाख रुपए शहीद की पत्नी और 15 लाख रुपए शहीद की मां को मिला है। इसके अलावा पत्नी को ऑर्डिनरी पेंशन भी मिलनी शुरू हो गई है। वहीं बैटल कैजुअल्टी के मामले में पहले कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है और जांच पूरी हो जाने के बाद लिबराइज पेंशन यानी शहीद होने से ठीक पहले तक मिलने वाली सैलरी मिलनी शुरू होगी। नियमों के मुताबिक जब सेना में कोई भी अफसर या जवान भर्ती होता है तो उन्हें एक डिटेल फॉर्म भरना होता है जिसे आफ्टर मी फोल्डर कहते हैं। यानी कि अगर सेना के जवान या अफसर शहीद हो जाते हैं तो उसके बाद उसे मिलने वाली राशि पेंशन और बाकी की सुविधाएं परिवार के किन सदस्यों को कैसे मिलेगी इसकी पूरी जानकारी उस फॉर्म में होती है। इसमें NOK यानी नेक्स्ट ऑफ किन की पूरी जानकारी होती है। अगर सैनिक की शादी नहीं होती तो उनके माता पिता या पिता में से कोई भी एक सदस्य उनका NOK हो जाता है। शादी होने के बाद उनकी पत्नी को NOK मिलता है। अब ये NOK है क्या वो भी आपको बता देते हैं। अगर सैनिक की मौत हो जाती है या शहादत होती है तो स्थिति में अलग अलग आर्थिक सहायता दी जाती है। सामान्य तौर पर देखें तो 3 तरह की फैमिली पेंशन होती है। पहली है ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन। ये उस स्थिति में NOK को मिलती है जब किसी बीमारी की वजह से या सामान्य स्थिति में सैनिक की मौत हो जाती है। यह आखिरी सैलरी का 30% होता है। दूसरी पेंशन होती है स्पेशल फैमिली पेंशन। ये उस स्थिति में NOK को मिलती है जब सैनिक की ड्यूटी के दौरान या ड्यूटी की वजह से मौत हो जाती है। ये सैलरी का 7% होता है। तीसरी पेंशन होती है लिबरलाइज फैमिली पेंशन। ये बैटल कैजुअलिटी होने पर NOK को मिल जाती है। ये सैलरी का 100% होती है। नियमों के मुताबिक पेंशन के हकदार NOK ही होते हैं। इसके अलावा अगर सैनिक को वीरता के लिए कोई गैलेंट्री अवार्ड मिलता है तो वो भी NOK को ही दिया जाता है। इसके साथ ही मिलने वाली राशि भी NOK के पास ही जाती है। अगर सैनिक शादीशुदा थे तो NOK पत्नी ही होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्थिति में माता पिता को कोई मदद नहीं दी जाती। सैनिक की जो इंश्योरेंस की राशि होती है जो PF की राशि होती है जो एक्स ग्रेशिया होती है वो ग्रेजुएटी होती है। उसके लिए सैनिक जिसे चाहे उसे नॉमिनी बना सकते हैं। उन्हें अपनी मर्जी के बारे में बताना होता है। इसकी पूरी डिटेल सेना के पास जाती है। सैनिक ने जिसे नॉमिनी बनाया हुआ होता है और जितने परसेंट का बनाया होता है
उसे ये मिलेगा, चाहे वो माता पिता हो, पत्नी हो या फिर उसके बच्चे हो। साथ ही डिपेंडेंट पेरेंट्स को मेडिकल फैसिलिटी मिलती रहती है। चलिए अब आपको बताते हैं शहीद पत्नी की दूसरी शादी पर क्या प्रावधान है। अगर NOK पत्नी है और वो दूसरी शादी कर ले तो उसके बाद भी अलग अलग नियम है। अगर पत्नी को ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिल रही है तो वो दूसरी शादी करते ही बंद हो जाएगी, चाहे उनके बच्चे हो या फिर ना हो। लेकिन अगर पत्नी को स्पेशल फैमिली पेंशन मिल रही है तो वो मिलती रहेगी। अगर पत्नी बच्चों को छोड़ देती है तो सैलरी का जो 60% पेंशन मिल रहा होता है उसका 30% पत्नी को और 30% ही उनके बच्चों को मिलेगा। ऐसे अगर पत्नी को लिबरलाइज फैमिली पेंशन मिल रही है और दूसरी शादी करने पर वो जारी रहेगी। अगर वो बच्चों को छोड़ती है तो फिर जो सैलरी का 100% पेंशन मिल रही थी उसका 30% पत्नी को मिलेगा और जबकि 70% बच्चों को दिया जाता है। तो इस तरह से कुछ नियम कायदे कानून हैं जिनको माना जाता है। ऐसे में सेना के जो भी नियम है इस वीडियो में हमने आपको बताए। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ और भारत डिजिटल। नमस्कार। कैप्टन अंशुमन सिंह दामी मेडिकल को 26वीं बटालियन पंजाब रेजिमेंट मरणोपरांत। कैप्टन अंशुमन सिंह ऑपरेशन मेघदूत के अंतर्गत सियाचिन ग्लेशियर में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात थे। आपने 19 जुलाई 2023 को वहां स्थित चंदन ड्रॉपिंग जोन में हुई भीषण अग्नि दुर्घटना के दौरान नजदीक की फाइबर ग्लास हट में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की। इसी दौरान मेडिकल इन्वेस्टिगेशन शेल्टर को आग की चपेट में आता देख वो अपने प्राणों की परवाह न करते हुए उसमें कूद पड़े ताकि जीवन रक्षक दवाइयों और उपकरणों को बचाया जा सके। तकरीबन 17,000 फीट की ऊंचाई पर चल रही तेज हवाओं के कारण आग की निरंतर बढ़ती लपटों ने पूरे शेल्टर को अपनी गिरफ्त में ले लिया और भरसक प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। कैप्टन अंशुमन सिंह ने असाधारण बहादुरी एवं त्याग का परिचय देते हुए देश हित में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती स्मृति एवं माता श्रीमती मंजू सिंह।